हेलो, लाइफ विद आयुर्वेद में आपका स्वागत है। अधिक समय के लिए खड़े या बैठे रहने के कारण हमारी कमर में दर्द होने लगता है। कमर दर्द की समस्या आज के आधुनिक जीवन में आम बात हो गई है। कमर दर्द या बैक पेन से महिलाएं अधिक परेशान रहती हैं। इस समस्या से बचने के लिए योग का सहारा लिया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ आसान से योगासनों के बारे में जो आपको कमर दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं। मरकट आसन। मरकट आसन का अर्थ बंदर होता है, इसलिए इस आसन को बंदर आसन भी कहा जाता है। यह आसन करते समय शरीर का आकार बंदर जैसा हो जाता है। यह आसन कमर दर्द व पेट की चर्बी घटाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे करने से शरीर का लचीलापन बढ़ता है, हाथ पैरों और कमर का दर्द व मोटापा कम होता है। मरकट आसन के फायदे। मरकट आसन करने से पीठ के दर्द में राहत मिलती है और रीढ़ की हड्डियों का विकार दूर होता है। सर्वाइकल, पेट दर्द, गैस्ट्रिक, कमर दर्द, अपचयन, कुलों के दर्द, अनिद्रा, थकावट में मरकट आसन बहुत ही लाभदायक होता है। इसके साथ ही मरकट आसन करने से हमारे गुर्दे, अग्नाशय और लीवर सक्रिय रहते हैं। एक पाद उत्तान आसन। इस आसन में एक पैर को सीधा उठाकर कुछ देर इसी अवस्था में रुकते हैं। इस आसन का एक सर्कल एक एक बार दोनों पैरों से करने से पूरा होता है, इसीलिए इसे एक पाद उत्तान आसन कहते हैं। यह आसन पेट की सभी समस्याओं में लाभकारी है। आंतों, लीवर और किडनी के लिए भी फायदेमंद है। यह बैली फैट घटाने में भी मददगार होता है। इस आसन में उदर के काफ़ी रोग ठीक होते हैं। इस आसन को करने के लिए जमीन पर सीधा लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर के दोनों ओर कमर के नीचे रखें। अब धीरे से सांस लेते हुए घुटने सीधे रखते हुए दाएं पैर को 60 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा उठाएं। इस अवस्था में कुछ देर रुककर सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएं। इसी तरह बाएं पैर से इस आसन को दोहराना है। इसे शुरुआत में 4 से 5 बार कर सकते हैं। सलभ आसन का अर्थ टिड्डी होता है। इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर टिड्डी जैसा लगता है, इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। यह कमर और पीठ दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन होता है। यह कमर दर्द के लिए अति उत्तम योगासन है। इसके नियमित अभ्यास से आप पुराने से पुराने कमर दर्द में निजात पा सकते हैं। यह पेट की मालिश करते हुए पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करता है। सलभ आसन। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं और अपनी हथेलियों को जांघों के नीचे रखें। एड़ियों को आपस में जोड़ लें। सांस लेते हुए अपने पैरों को यथासंभव ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और इस अवस्था को बनाए रखें। अब सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएं। यह एक चक्र हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन दो शब्द से मिलकर बना है, उष्ट्र और आसन। इस मुद्रा में शरीर ऊंट के समान लगता है, इसलिए इसको इस नाम से पुकारा जाता है। उष्ट्र आसन क्रोध एवं शारीरिक विकारों को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है। इस आसन से आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। इस आसन का अभ्यास करने से कमर दर्द में बहुत राहत मिलती है। साथ ही इसे करने से डायबिटीज को भी बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यह योग अभ्यास क्रोध को कम करते हुए आपको शांत करने में मदद करता है। सबसे पहले आप फर्श पर घुटनों के बल वज्रासन में बैठ जाएं। जांघों और पैरों को एक साथ रखें, पंजे पीछे की ओर फर्श पर जमे हुए हों। घुटनों व पैरों के बीच करीब 1 फीट की दूरी रखें। अब आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें और अब दाईं हथेली की ओर दाईं एड़ी पर तथा बाईं हथेली की ओर बाईं एड़ी पर रखें। भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ होता है सांप। जिस तरह सांप का शरीर लचीला होता है, उसी तरह यह आसन शरीर को लचीला और फुर्तीला बनाए रखने में सक्षम होता है। इसे करने से पेट की चर्बी कम होती है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। भुजंग आसन के नियमित अभ्यास से कमर से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। इस आसन का अभ्यास पीठ और मेरुदंड के लिए भी लाभकारी होता है। इस आसन से छाती फैलती यानी चौड़ी होती है और श्वसन क्रिया पर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। इस आसन को करने के लिए जमीन पर सीधे लेट जाएं, चेहरा ठोड़ी पर टिकाएं, कोहनियां कमर से चिपकाए रखें और हथेलियों को ऊपर की ओर करके रखें। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए आगे ले जाएं और बाजुओं के नीचे रखें। अब ठोड़ी को गर्दन से चिपकाते हुए माथे को जमीन पर लगाएं, नाक जमीन को छू रही हो। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए हथेलियों के बल सिर और शरीर का अगला भाग ऊपर की ओर उठाएं। सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। चक्र आसन।
यह आसन कमर दर्द के लिए काफ़ी आरामदायक है। इसे करने के लिए एक चटाई पर सीधे लेट जाएं और फिर अपने दोनों हाथों और पंजों के बल पर अपने शरीर को ऊंचा उठाएं। इस दौरान कमर को जितना हो सकता है उतना ऊंचा उठाएं। 1 या 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहने दें। 1 या 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल अवस्था में आ जाएं। इस आसन से कमर की मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं और उन्हें मजबूती भी मिलती है। कमर दर्द दूर करने और पेट को घटाने के लिए आप नियमित रूप से इन योग आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।